हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएड सेकेंड ईयर में अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत अर्थशास्त्र शिक्षण उसके अंतर्गत आपका फर्स्ट यूनिट में जो आज हमारा विषय है, जो प्रकरण है, वो है अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम में नवीन प्रवृत्तियां। अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम में नवीन प्रवृत्तियां, नवीन प्रवृत्तियां से अर्थ होता है हमारा न्यू ट्रेंड्स, यानी जो नई नई चीजों को हम शामिल करते हैं उसे हम कहते हैं प्रवृत्तियां। ठीक है, तो जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है वो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का जो एकमात्र साधन है वो है पाठ्यक्रम, और जो जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति भी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही होती है। जैसे दर्शन समय के जो उद्देश्य होते हैं वो जीवन को सफल बनाते हैं, तो जो दर्शन जो हमारे दार्शनिक है यानी जो दर्शन के उद्देश्य है उनकी प्राप्ति भी शिक्षा के माध्यम से ही होती है। यानी जीवन को सफल बनाने के लिए दर्शन के जिन उद्देश्यों की आवश्यकता मानव को होती है उन उद्देश्यों की आवश्यकता की पूर्ति शिक्षा के उद्देश्य करते हैं, और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति पाठ्यक्रम करता है। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, क्योंकि हमारे जो उद्देश्य हैं समय दर्शन के उद्देश्य, दैनिक जीवन के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो सके। अब जो हमारी नवीन प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे कि हम जो भी चीज़ों को, जैसे कोई दृष्टिकोण है, दार्शनिक दृष्टिकोण है हमारा, या कोई और दृष्टिकोण है जैसे सामाजिक दृष्टिकोण है या आर्थिक दृष्टिकोण है, उसके अलावा पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे अधिगम जो अनुभव होते हैं उनकी प्रकृति है या उनके प्रकार है, या अनुभव की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है, या हमें किस प्रकार से अनुभव का ध्यान होता है, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे नैतिक है, नैतिकता जो हमारे हैं जीवन में, जो आदर्श मूल्य हैं, उन सभी चीज़ों को हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना, दैनिक जीवन में सम्मिलित करना, और अधिगम अनुभव के जो क्षेत्र हैं उनके जो कार्य हैं उन सभी को, वो सभी जो चीज़ें हम किसी न किसी उपागम के माध्यम से पाठ्यक्रम में डालते हैं, तो वही उपागम जिनके माध्यम से हम पाठ्यक्रम के अंदर नवीनतम सुधार लाते हैं वो हमारी प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। तो कौन कौन से जो ऐसे उपागम हैं जिनका हम इधर जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके अंदर उपयोग करेंगे, तो वही उपागम हमारे नवीन प्रवृत्तियां हैं, यानी कि कौन सी न्यू ट्रेंड्स हम डाल सकते हैं हमारे पाठ्यक्रम में जिससे कि पाठ्यक्रम में नवीनतम सुधार आ सके। तो जो उपागम हमारे जो अप्रोचेस है, उपागम को हम कहते हैं अप्रोचेस, तो वो अप्रोचेस कौन कौन सी है जिसके माध्यम से हम पाठ्यक्रम को नवीन ताकि और ले जा सकते हैं। तो पहला जो हमारा उपागम है वो है दार्शनिक उपागम, पहला जो हमारा उपागम है वो है दार्शनिक उपागम, यानी कि फिलोसॉफिकल अप्रोच। अब दार्शनिक जो उपागम हमारा वो क्या कहता है, जो हेनरी टी जॉनसन, इसके अंदर हमारा जो है हेनरी टी जॉनसन, हेनरी टी जॉनसन ने दार्शनिक उपागम के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा है कि दर्शन शास्त्र जीवन की मूलभूत समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने तथा मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य है, यानी कि दार्शनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं या दार्शनिक जीवन की मूलभूत समस्याओं के, दार्शनिक जीवन की मूलभूत समस्याओं के उत्तर प्राप्त, यानी कि जो भी मूलभूत समस्या है उनके उत्तर प्राप्त एवं उत्तर प्राप्त करने एवं मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए, उत्तर प्राप्त करने एवं
मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी कि हेनरी डी जॉनसन ने भी कहा है कि दार्शनिक जीवन के जो मूलभूत हमारी जो समस्याएं आ रही हैं उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए, और जब समस्या का हम उत्तर प्राप्त करेंगे तभी मानव जीवन को सार्थक बना सकेंगे, इसकी हमें जो दर्शन है उसकी आवश्यकता होती है। जैसे जो जीवन के उद्देश्य होते हैं वो अपने समय के दर्शन के अनुरूप किए जाते हैं, क्योंकि जो जीवन के दर्शन है, जो हमारा जीवन दर्शन है, उसके जो उद्देश्य है वो समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि हम जीवन को देखते हैं तो एक दार्शनिक दृष्टि से भी देखते हैं, फिलोसॉफिकल जो नज़रिया होता है हमारा उससे भी हम देखते हैं। तो जो हमारे जीवन दर्शन के जो उद्देश्य है समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, और इन जीवन दर्शन के उद्देश्य की आवश्यकता है कि मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए जीवन दर्शन के जो उद्देश्य हैं उनकी आवश्यकता है। अब इन जीवन दर्शन के जो उद्देश्य हैं वही हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को ऐसा व्यवहारिक ज्ञान देना जिनसे कि उनका जीवन सफल हो सके। तो जीवन दर्शन के उद्देश्य यानी जीवन जीने के लिए हमें जिन उद्देश्यों की आवश्यकता है वही हमारे शिक्षा के उद्देश्य, क्योंकि हम शिक्षा ग्रहण क्यों कर रहे हैं, हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। तो जो जीवन दर्शन के उद्देश्य है वही हमारे शिक्षा के उद्देश्य, और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हमारे पाठ्यक्रम करते हैं जिसमें हम दार्शनिक उपागम को महत्व देते हैं, क्योंकि दार्शनिक उपागम ही हमें हमारे नैतिक मूल्य, आदर्शों, इन सभी चीज़ों का ज्ञान कराता है। इन सभी चीज़ों की पूर्ति हमें दर्शन के माध्यम से ही होती है। तो दार्शनिक उपागम जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो जीवन से संबंधित है। अगर हम जो ये दर्शन के अभाव में स्थिति, दर्शन का अभाव हमारे पाठ्यक्रम में रहेगा तो हमारा जो जीवन है वो निष्प्राण हो जाएगा, क्योंकि हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है जैसे शास्त्र में जीवन बोध और जीवन मूल्यों की, जीवन बोध किस प्रकार होता है, जीवन मूल्यों की हमें आवश्यकता है, यदि हम दर्शन को पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित नहीं करते हैं तो निष्प्राण यानी कि किसी उपयोग का नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से ही होगी। और शिक्षा के अंतर्गत जो हमारे जीवन दर्शन के उद्देश्य आत्मबोध होना, जीवन बोध होना, मूल्यों का बोध होना, आदर्शों का बोध होना, ये सारे बोध में आत्मीयता का बोध होना, ये सारे जो गुण हैं हमारे दार्शनिक गुण वो दार्शनिक उपागम के माध्यम से ही संभव है। तो जब हम नवीन प्रवृत्तियों में दार्शनिक उपागम को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करेंगे तो हमारे जीवन दर्शन के जो उद्देश्य हैं वह स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम में शिक्षा के उद्देश्य को जीवन के उद्देश्यों के ही आधार पर बनाया गया है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे हमारा जो उपागम है वो है मनोवैज्ञानिक उपागम। मनोवैज्ञानिक उपागम यानी क्या अप्रोच। अब हमारा मनोवैज्ञानिक उपागम क्या कहता है, आप सभी को पता है जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रिता के सिद्धांत पर आधारित है, और बाल केंद्रिता यानी कि जहाँ बाल केंद्रिता है वहाँ पर मनोवैज्ञानिक आधार स्वतः है, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है हम सभी जानते हैं कि बालक करके सीखता है, और जो हमारा पाठ्यक्रम है क्रियाशीलता के सिद्धांत पर ही आधारित है। क्यों आधारित है, क्योंकि जब हम उसके अंदर मनोवैज्ञानिक आधार लगाएंगे उनकी बालकों की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुकूल हम यदि पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं तो विद्यार्थी उसमें रुचि लेंगे और जो उनको ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष होगा, और इसमें मनोवैज्ञानिक आधार से क्या होगा कि वो जो पूरा पाठ्यक्रम है वो बालकों पर ही केंद्रित होगा, ना कि शिक्षक केंद्रित होगा। बालक केंद्रित होगा तो वे बालक बहुत अच्छे से और रुचिपूर्ण तरीके से उस पाठ्यक्रम को समझ पाएंगे। जैसा कि यदि हम क्रियाशीलता के सिद्धांत को भी अपनाते हैं तो बालक कार्य को करके सीखते हैं। पाठ्यक्रम में हमें मनोवैज्ञानिक आधारों को रखना चाहिए ताकि हम ऐसे अभ्यास, ऐसी एक्टिविटी उनके लिए डाल सके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जिसके अंदर बच्चा खेल खेल के माध्यम से या करके वो इजीली सीख सके। तो मनोवैज्ञानिक उपागम को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से आपको एक फ़ायदा होगा, क्योंकि बालक क्या होते, कोरे कागज़ होते, उन पर जो लिखा जाता है वो अमिट रहता है, इसलिए उसमें मनोवैज्ञानिक
घरों को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है ताकि उनका जो पाठ्यक्रम है बाल केंद्रित हो, उनकी रुचि योग्यता के अनुकूल होगा, तो उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो वो ज्ञान जो भी उन्हें मिलेगा वो प्रत्यक्ष तो मिलेगा ही, उसके साथ में स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा और वे रुचि लेकर पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जैसे कि उनकी जो भी रुचियाँ हैं, उनके अनुभव हैं, सबको यदि हम इसमें शामिल करते हैं तो पाठ्यक्रम निर्माता अधिगम की परिस्थितियों का भी ज्ञान करता है। यानी कि जब पाठ्यक्रम में अधिगम जो करता है, अधिगम करता कौन होता है? अधिगम करता की आवश्यकता की पूर्ति, यानी अधिगम करता कौन होता है? अधिगम करता यानी कि बालक या फिर जो भी सीख रहा है वो हमारा अधिगम करता। तो अधिगम करता की जो ज्ञान देंगे हम, उसकी जो आवश्यकता है, उसकी जो आवश्यकता को कौन महसूस कर, जो आवश्यकता को कब महसूस किया जाएगा? जब मनोवैज्ञानिक उपागम को अपनाया जाएगा तब अधिगम करता की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकता है वो समझ पाएंगे और पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित कर पाएंगे। अब दूसरा जो हमारा उपागम है वो है हमारा सांस्कृतिक उपागम। सांस्कृतिक उपागम हमारा होता है कल्चरल अप्रोच। संस्कृति किसी भी समाज की जो होती है संपूर्ण जीवन की एक शैली होती है। संपूर्ण जीवन की शैली कहा जाता है संस्कृति को। अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप उस शैली की, मतलब संस्कृति जो है वो मानव जीवन के संपूर्ण जीवन जो होता है उसकी शैली होती है। इसमें समाज की, इसके अंदर क्या आता है, देखो भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, लैंगिकता, जो लैंगिक व्यवहार है, मनोरंजन है, कला, ज्ञान, विज्ञान, संगीत है, तो कई धार्मिक उत्सव है, जहाँ आस्था है तो वहाँ विश्वास भी है। इन सब चीज़ों को मिलाकर ही हमारी संस्कृति का निर्माण होता है। मानव की स्वयंप्रतिता जो मानव है वो विशेष, इसमें एक चीज़ कही गई कि संस्कृति मूलतः मानव के विशेष ढंग से रहने की अभिव्यक्ति, यानी जिस प्रकार से विशेष ढंग से जो मानव रहता है उस अभिव्यक्ति को ही संस्कृति कहा गया। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे जीवन में जो वायु है उसको हमने अभिन्न अंग बना रखा है। क्यों बना रखा है अभिन्न अंग? क्योंकि वो हमारे प्राणदायिनी है। यदि हम हवा के बिना नहीं रह सकते तो उसी प्रकार जो संस्कृति है वो भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। यानी कि जिस प्रकार श्वास जीवन के लिए जरूरी, उसी प्रकार संस्कृति भी हमारे जीवन के लिए जरूरी, क्योंकि ये हमारी पहचान का परिचायक होती है। संस्कृति जो है हमारी पहचान की परिचायक होती है। तो शिक्षा के अंतर्गत सांस्कृतिक उत्पादों को सम्मिलित करने से क्या होता है कि प्रत्येक शाली वे संस्कृति का अनुभव करते हैं। पाठ्यक्रम संस्कृति से अनेक प्रकार की बातें ग्रहण करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य संस्कृति के आधारभूत तत्व या उसके कौशल, फिर उसकी मान्यता है, उसके विचार, उसके मूल्यों आदि की अभिव्यक्ति वो सीखते हैं। शिक्षा की पाठ्य वस्तु में समाज के कौशलों, विचारों और मूल्यों का विचार करती है। यानी कि जब शिक्षा के अंतर्गत हम सांस्कृतिक उपागम को सम्मिलित करते हैं तो विद्यार्थी नैतिक मूल्यों को तो सीखता ही है, साथ ही साथ अपनी संस्कृति के जो आदर्श मूल्य हैं उनको भी ग्रहण करता और उनकी अभिव्यक्ति करना भी सीखता है। यानी कि विद्यार्थी को अपनी संस्कृति का ज्ञान भी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जो हमारा उपागम है वो है सामाजिक उपागम। सामाजिक उपागम, अब जो सामाजिक उपागम है, जैसा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, पर मनुष्य को समाज में रहने लायक शिक्षा बनाती है, ये आप सभी जानते हैं। तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने तथा समाज के अनुरूप उसे ढालने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब शिक्षा के पाठ्यक्रम को या उद्देश्य को इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बना सके, यानी समाज के अंदर अनुकूलन सिखा सके। और जैसे कि समाज के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, समाज के अंदर जब सामाजिक विज्ञान या सामाजिक ज्ञान का जो विषय है आपका वो पढ़ते, तो उसके अंदर समाज पढ़ते,
का निर्माण कैसे होता है, संयुक्त परिवार, लघु परिवार या एकल परिवार, ये मिश्रित परिवार ये आप सबने पढ़े हैं। फिर जो समाज में रहने के कुछ हमारे कानून, नियम, शर्तें भी होती हैं, तो उन सभी को हम शिक्षा के माध्यम से ही सीखते हैं। तो जो शिक्षा है इसके अंतर्गत ये है कि जो समाज का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, समाज में क्या नियम होते हैं या समाज के क्या क्या आयाम है, इन सब का अध्ययन हम समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो समाजशास्त्र से हम मानव जीवन के प्रत्येक जो पहलू है उसको छू सकते हैं, यानी कि सामाजिक संस्थाओं का, तो सामाजिक शक्तियाँ जो है हमारे शिक्षा संस्थानों पर पढ़ने वाले विभाग पाठ्यक्रम पर सामाजिक आधार कहलाते हैं। वस्तुतः पाठ्यक्रम एक सामाजिक प्रणाली है, पाठ्यक्रम वास्तव में देखा जाए तो एक सामाजिक प्रणाली ही है। क्यों? क्योंकि इससे समाजशास्त्र के माध्यम से ही समझ सकते हैं। समाजशास्त्र में इस बात का भी ज्ञान कराते हैं कि पाठ्यक्रम वह उपकरण जिसके द्वारा शैक्षिक संस्थान सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करती है। अब सामाजिक लक्ष्य कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारी परंपराएं, रीति रिवाज एवं आकांक्षाएं। पाठ्यक्रम के अंदर सामाजिक उपादों को जब हम सम्मिलित करते हैं तो विद्यार्थी परंपराओं को समझता, रीति रिवाज को और जो भी आकांक्षाएं होती है उनको भली भांति समझता है। दूसरा जो हमारे मूलभूत जो विश्वास होते हैं या आस्थाएं होती है या मूल्य होते हैं उनकी परख उन्हें होती है। फिर जो है हमारा नागरिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय, व्यवसायिक संगठनों तथा शैक्षिक नेताओं के दृष्टिकोण, इन सभी का नॉलेज भी हमें सामाजिक उपागम के माध्यम से ही होता है। फिर हमारा समाज का प्रचलित जीवन दर्शन, यानी समाज जीवन दर्शन हमारा वो है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जीवन दर्शन के आधार पर ही हमारा जो उद्देश्य है उनको निर्धारित किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा प्रौद्योगिक परिस्थितियाँ। फिर छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यालय की स्थिति जैसे कि छात्र की संख्या, शिक्षक का वर्ग, भौतिक परिस्थितियाँ तथा प्रशासकीय ढांचा आदि। फिर हमारा सामाजिक परिवर्तन का मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र, यानी कि सामाजिक जो परिवर्तन, समय से परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो जब परिवर्तन होगा तो समाज में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं उसको किसके माध्यम से मनोवैज्ञानिक आधार और समाजशास्त्र के आधार पर समझना। नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम क्या होता है, यानी कि इतिहास को जानना। जो है इतिहास हमारा जो है वर्तमान का, यानी जो पास्ट में जो चल रहा हमारा भूतकाल जो हमारा बीत चुका है उसका दर्पण होता है। और ये इसका नॉलेज इसलिए भी कराया जाता है कि जो हमारी पास्ट में जो गलतियां हो चुकी है मनुष्य उसका दोहरान वर्तमान स्थिति में ना करे। जैसे कि इतिहास अतीतकालीन बातों का अभिनय होने के कारण पाठ्यक्रम निर्माताओं को ऐसी सामग्री भी उपलब्ध कराता है जिसकी सहायता से जहाँ एक और उसके भविष्य के लिए अच्छे और स्पष्ट उदाहरण मिलते वही दूसरी ओर वो गलतियों को दोहराने से बचता है। यानी कि इतिहास से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जिनका नॉलेज हमें नहीं होता है, वो इतिहास के माध्यम से मिलता है, अच्छे अच्छे उदाहरण भी हमें मिलते हैं। उसके साथ ही साथ जो पहले गलती हो चुकी है उन्हें मनुष्य दोहराने से बचता है, तो इतिहास इस प्रकार से हमारी सहायता करता है। तो जो आज हमने पढ़ा था वो था हमारा अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत नवीन प्रवृत्तियाँ। नवीन प्रवृत्तियों से ही हमारा अर्थ था, मैंने आपको बताया था पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है वो शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है जिससे शिक्षा के उद्देश्य और जीवन के उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। यानी कि उन्हें प्राप्त करने के लिए जब शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार के उद्देश्यों का निर्माण करना पड़ता है जिससे कि शिक्षा के उद्देश्य और जीवन के उद्देश्य दोनों की प्राप्ति हो सके। जीवन के उद्देश्य अपने समय दर्शन पर आधारित होते हैं। अतः शिक्षा के उद्देश्य को निर्माण जीवन के उद्देश्यों से होता है और जीवन के उद्देश्य की पूर्ति कौन करती है, हमारी शिक्षा। तो शिक्षा के उद्देश्य को जीवन दर्शन के उद्देश्यों के आधार पर ही बनाया जाता है क्योंकि मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान देना है हमें ताकि वे व्यवहार में जो मतलब अपने जीवन में जो भी चीज़ें उन्हें पढ़ाया जा रहा है ऐसा व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए जिससे कि उनके अंतर्गत व्यवहारगत परिवर्तन आ सके। तो व्यवहारगत परिवर्तन कब आएगा,
दार्शनिक उपागम है जो दर्शन के उद्देश्य की पूर्ति करता है। फिर हमारा मनोवैज्ञानिक उपागम है जो कि बाल केंद्रता पर आधारित है, उच्च योग्यता के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। सांस्कृतिक उपागम जो हमारी संस्कृति यानी रहन सहन खान पान तो हमारे आचार विचार हमारे जो उसके अलावा जो हमारी बोल चाल है हमारी भाषा है मनोरंजन है कला है ज्ञान विज्ञान उन सभी से संबंधित है। सामाजिक उपागम है मनुष्य सामाजिक प्राणी है समाज में रहने के लिए उसे शिक्षा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि शिक्षा ही उसे एक सामाजिक प्राणी बनाती है। फिर हमारा ऐतिहासिक उपागम है इतिहास से हमें मतलब बहुत सारी जानकारी मिलती है अच्छे स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं और साथ ही उन गलतियों को दोहराने से मानव बचता है जो पहले हो चुकी है। यदि आपको इसमें कोई भी समस्या आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपकी थी नवीन प्रवृत्तियाँ। नवीन प्रवृत्तियों में कुछ उपागमों को शामिल किया गया था जो उपागम मैंने आज आपको यहाँ पर बताया। यदि इसमें आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।